जय श्री राम मित्रों, ये है कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये है अयोध्या का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जितनी सुविधाएं कई शहरों में शायद इतनी सुविधाएं एयरपोर्ट पर भी नहीं मिलती हैं जितनी सुविधाएं अयोध्या के रेलवे स्टेशन आने पर मिलती है। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हो आने जाने की ट्रेन समय सारणी या स्लाइडिंग वगैरह ऊपर जाने की वगैरह और टिकट काउंटर खिड़की भी आप देख सकते हो इस तरह से। यह है यहाँ की टिकट काउंटर खिड़की बोल सकते हो, यहाँ से आप टिकट वगैरह आराम से ले सकते हो। सुविधा देख सकते हो आप, जितना ही देखोगे तो कितना शानदार सुविधा भाई। ये देखो लिफ्ट के जरिए आप ऊपर जा सकते हो, नीचे आ सकते हो, आपको जरा भी थकने का एहसास नहीं होगा। और यहाँ पर देखो वेटिंग हॉल एक और यहाँ पर है। देखो वेटिंग हॉल के साथ साथ यहाँ पर आपको LED पे आप जैसो समय सारणी के हिसाब से यहाँ पर आने वाली ट्रेनों के बारे में ही दिखाया जाएगा, ताकि आपको यहाँ से बार बार उठने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये देखो और ये यहाँ पर छोटे वाहन है जो बोल सकते हो आप, ताकि कोई मतलब बुजुर्ग इंसान है तो उनके लिए ये एक अच्छा जरिया है। ये देखो ये अपना क्लॉक रूम सामान घर है। ठीक है, ये देख सकते हो। और ये देखो यहाँ पर देखो एक अच्छी व्यवस्था दी गई है छोटे बच्चों के लिए देखभाल, ठीक है ना। और ये मित्रों जैसे एयरपोर्ट पे मिलता है छोटे बच्चों के लिए देखभाल के लिए, जब अपनी बच्चे छोटा बच्चा रहता है, माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना है या कुछ भी मतलब बच्चों को सुलाना है, तो वहाँ पर थोड़ी आवाज़ ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर आराम से ये कक्ष ही अलग ही बनाया गया ताकि बच्चे की देखभाल कर सके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो टॉयलेट की सुविधा है यहाँ पर जेंट्स लेडीज, और पेयजल यहाँ पर पानी की भी पीने की भी सुविधा है। ठीक है, कितना शानदार तरीके से बनाया गया है। और अलग अलग यहाँ पर आपको गेट नजर आएंगे, लगभग आपको मैं आगे चलूंगा तो आपको विस्तार से मैं संपूर्ण बता दूंगा। और यहाँ पर ये देख सकते हो लिफ्ट भी दी गई है, आप ऊपर चढ़ने के लिए ऊपर भी चढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आपको इधर आए तो एयरपोर्ट जितनी सुविधा मिलेगी इससे कम तो शायद ना मिले। ठीक है, और यहाँ पर आपको CCTV कैमरों के जरिए आपको मतलब पूरी सुरक्षा ही मतलब बोल सकते हो कि भाई कोई चीज़ का सामान, क्योंकि आपको पता है कि हमारे आपको पता है कि हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो फिर सामान के चोरी होने का भी बहुत डर रहता है, परंतु यहाँ पर बहुत सारे CCTV कैमरे हैं ऊपर साइड नीचे साइड, ताकि लोगों को सामान चोरी होने में ज़्यादा मतलब सामान चोरी ना हो और लोग हमेशा सुरक्षित महसूस करें, इसलिए ये है। और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो। और इसके बीचों बीच में जो स्टैचू बनाया गया है, ये स्टैचू जैसे कोई, ये देखो ये बीचों बीच में एक स्टैचू बनाया गया है, कितना शानदार है ये देखो। और आप पूरा देख सकते हो कितना शानदार लगता रहेगा आपको। और इधर आप सामने जाते हो तो लिफ्ट है और शिशु देखभाल है, मतलब रोगी का कमरा भी है, अगर कोई बीमार है उनके लिए भी यहाँ पर एक अलग से रूम है। तो कहने का मतलब शानदार है भाई, बहुत अच्छा। ठीक है, और ये पीछे भी इस साइड भी लिफ्ट है, उस साइड भी है, ऐसा नहीं सिर्फ एक साइड ही है आपको लिफ्ट मिल गई तो बस हो गया। लिफ्ट और उस साइड भी था, और ये इधर भी आपको वेटिंग रूम मिल जाएगा, जो सुविधा उस साइड आपको देखी थी ये इधर भी मिल जाएगी सेम। काफ़ी बड़ा है, कहने का मतलब काफ़ी बड़ा है। और देखो कितना मंजिल आप देख सकते हो, ये ऊपर से डिजाइन है और पंखे आप देख सकते हो मतलब थोड़े अलग टाइप से दिए गए हैं, गर्मी का वगैरह पूरे ही देखभाल रखा गया है। ये देखो, और आप वेटिंग रूम में आएंगे तो आपको पहले ही बता दिया था मैंने, ये देखो समय सारणी है ताकि ट्रेन कब आएगी और यहाँ से कब जाएगी, ये सभी है। और अब थोड़ा आपको ऊपर चलते हैं, और मित्रों अभी आपको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि हालांकि अभी लिफ्ट बंद है, परंतु जब ये मतलब ट्रेन वगैरह लोगों की आवाज़ आई, ये स्टेशन चालू होगा,
तब शायद मेरे हिसाब से ये लिफ्ट काम करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको थोड़ा फर्स्ट फ्लोर पे भी बताते हैं कि क्या क्या वहाँ पर सुविधा है, ताकि आप आराम से देख सकते हो कितना शानदार है भाई। क्योंकि मैंने भी देखा है कि इतनी शायद मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ रेलवे स्टेशन जहाँ पर इतनी सुविधाएं हैं। चलो ठीक है, तो इधर आके आप देख सकते हो, इधर भी फर्स्ट फ्लोर पे भी, क्योंकि आपको पता है अयोध्या को दर्शन करने के लिए लोग हजारों लोग आएंगे, तो उनके लिए भी सुविधा, क्योंकि स्टेशन बार बार तो बनता नहीं, एक बार बन गया तो फिर। ये देखो यहाँ पर टॉयलेट वगैरह सब ऊपर सुविधा दी गई है, और वापस यहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा है। ये देखो लिफ्ट है, लिफ्ट से भी आप ऊपर आ सकते हो और नीचे जा सकते हो। ये देखो, और यहाँ पर लिफ्ट के अलावा अलावा चिड़िया से भी आप ऊपर आ सकते हो। तो देख सकते हो मित्रों, नीचे से कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो कितना शानदार, बहुत बढ़िया भाई। ये देखो, ये देखो ना, और इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी में जहां पर भी आप इधर खड़े हो और कहां पर जाना, आपको क्या करने जाना है, ये देखो सुविधा के हिसाब से यहां पर देखो प्रवेश पैदल पुल, ठीक है, और इधर जाने के लिए, और फर्स्ट सेकंड क्लास इस साइड जाने के लिए, वेटिंग हॉल भी इस साइड जाने के लिए, और लेफ्ट लॉबी लिफ्ट लॉबी भी इस साइड जाने के लिए। तो कहने का मतलब आपको ज़्यादा इस चीज़ में ये नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये लिखा रहता है थूकना मना है, मतलब कोई भी, मतलब हमारे क्या है कि स्टेशनों की हालत देखते हैं ना हम, तो फिर क्या पूरे गुटके थूके रखे हैं, पूरी मतलब गंदगी होती है, पर तो शायद अब इतना सुंदर बनाया है, मतलब जैसे ही हम पब्लिक यूज़ करेंगी तो शायद इतना सुंदर रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी भी बड़े बड़े इमारतें हमारे सरकारी देखी है तो बनाई गणी बनाई हुई बहुत खूबसूरत, परंतु वहाँ पर रख रखाव में मतलब कमी की वजह से और लोगों के गंदे व्यवहार की वजह से गंदी हो जाती है, और इतनी गंदी हो जाती है तो फिर वो शायद वापस ये स्वस्थ करने में लोगों की बहुत तकलीफें होती हैं, परंतु शायद ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतना अच्छा बनाया है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये मतलब वीडियो अच्छा ही होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये लोग इससे आराम से ही, मतलब कहने का मतलब लोग अच्छा रखेंगे, और जो इंटरनेशनल आपको जो लुक है, जो इंटरनेशनल जो लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे बड़े बड़े देशों में जो रेलवे स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, या हमारे भारत में भी ऐसे ऐसे एयरपोर्ट है, और मेरे हिसाब से भारत में भी ऐसे एयरपोर्ट है जितनी इतनी इतनी डिजाइन नहीं है, इससे सिंपल है, जितनी यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन है, देख सकते हो, बहुत शानदार लग रहा है मेरे को। और ये है यहाँ की इलेक्ट्रिकल लिफ्ट, और काफी शानदार और बड़ी भी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर आराम से नीचे पहुंच जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये है यहाँ का प्लेटफॉर्म, और देख सकते हो पूरे मतलब एयरपोर्ट जैसी बाहर की सुविधा है, ठीक है, और इस साइड में अभी भी काम मतलब हो रहा है, अभी काम चालू है, प्रगति पर है काम, क्रेने वगैरह देखो लगाई गई है, पूरी जितना काम फास्ट हो सके उतने हिसाब से फास्ट काम हो रहा है। ये भी सीढ़ियाँ पूरी इस साइड भी आपको यहाँ पर पूरी मतलब प्लेटफॉर्म, यहाँ पर पूरी जितने भी कमरे वगैरह जो भी मिल जाएगी, और मैन यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कोई मंदिर है, वर्त मंदिर नहीं, ये रेलवे स्टेशन है, पर उसकी डिजाइन वगैरह एक मंदिर टाइप बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए वेटिंग, मतलब यहाँ पर जैसे आपको ज़्यादा यहाँ पर बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अंदर इतनी सुविधा मिल जाएगी ताकि आपको इधर बैठने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी यहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह ये देखो लगाई गई हैं, ताकि कोई भी आए यात्रीगण यहाँ पर आराम कर सके। बहुत बढ़िया सुविधा है मित्रों, ये देख सकते हो बहुत बढ़िया सुविधा है। कैसा लग रहा है स्टेशन, कैसा लग रहा है स्टेशन? तो अब उसकी भव्यता अच्छी लग रही है, पहले स्टेशन तो पहले भी था, लेकिन अभी जो भव्यता आ गई हो जिसमें, एक मतलब आकर्षण का एक जो लुक होना चाहिए ना, वो मंदिर है
वहाँ पर देखिए ना, हाँ जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पूरा मंदिर द्वारा मंदिर जैसे प्रतिरूप है। खुशी होती होगी फिर तो। देखिए जहाँ अब हम तो भजन करते हैं भगवान का, तो भगवान का जैसा आलय होता है वैसे ही हमको कुछ भी दिखे, कोई भी ऐसी कृति दिखे, कलाकृति, तो हमें तो खुश प्रसन्नता होगी, हमें तो लगेगा यहाँ भगवान ही है। तो आप और हम सब भी जैसे हम यहाँ से निकलते तो ऐसा लगता हम धाम से, प्रभु के धाम से निकल रहा है या जा रहा है। सही है, तो ये है सब मीनिंग भैया। हाँ सही है, मजा है, मजा है, बहुत बढ़िया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या में मंदिर अभी बहुत प्रगति पर है दादा, कैसा लग रहा है? अब 3-4 साल लगेंगे कम्प्लीट हो जाएगा। अभी क्या है, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब है, अभी कंप्लीट नहीं है। सही सही है, है ना। और जहाँ हम साधारण लोगों की सोच खत्म होती है उससे आगे इन्होंने सोच के काम किया हुआ सही है। यदि आप अच्छा में यदि सही है, वो चीज वो एक इंजीनियर समझ सकता है कि इसमें क्या हो रहा है। आप और हम तो जन साधारण है, है, तो हम तो यही सोचेंगे भाई काम चल रहा है, चलता रहे। और हम तो चाहेंगे ये प्रभु श्री राम का दरबार है, यहाँ नित्य काम चलता रहे, इसकी भव्यता 4 चांद हो जाए। ठीक है, बोलो श्री राम, जय श्री राम। ठीक है मित्रों, आपने अंदर से देखा, अभी थोड़ा बाहर का रूप आपको दिखाते हैं, बहुत शानदार लगेगा। अंदर जितनी खूबसूरती है उतनी ही बाहर भी है। आप देख सकते हो जैसे कोई राष्ट्रपति भवन है, इतनी शानदार सुविधा दी गई है और मंदिर की मंदिर का रूप देने का पूरा प्रयास किया गया है। आप देख सकते हो कितना शानदार डिजाइन वगैरह बनी हुई बाहर की तरफ वगैरह। आपको बाहर से लगेगा भी नहीं ये कोई रेलवे स्टेशन है, जैसे कोई मंदिर है या कोई बड़ा मतलब सरकारी इमारत है। रेलवे स्टेशन ऐसे वो भी सरकारी है परंतु आपको कम लगेगी। ये है हमारे भाई राजस्थान से हैं, और कहाँ से हो भाई साहब? मैं हूँ विनमल कासिडी से हूँ, बेंगलोर से आया हूँ, यहाँ पे सेवा में लगे हुए हम। यहाँ पे अयोध्या में 10 दिन से इधर ही है। लास्ट नाम भरत कुमार पुरोहित है। भरत कुमार, यस। और आपका? मेरा दीपेश राजगुरु। कैसा लग रहा है आपका रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन नहीं, रेलवे स्टेशन ऐसा तो लगभग एयरपोर्ट भी नहीं होता, ऐसे ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है। जो आप देखेंगे तो अंदर से कब खूबसूरत जो नजारा क्रेविंग सब जो की है वो देखेंगे तो एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन तो ऐसा नहीं होता। भारत का नंबर 1 रेलवे स्टेशन है लगभग, प्लेटफॉर्म वगैरह आप देखेंगे तो। कोई भी गवर्नमेंट का काम रहता है करना, अब हमारे पब्लिक की जिम्मेदारी हम साफ सफाई रखे हैं। जो भी साफ सफाई तो अयोध्या में चल रही है, मानो किधर भी आप अच्छा रहता है ना। अच्छा, बहुत अच्छी साफ सफाई ध्यान रखना पड़ता है, पब्लिक का तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और अयोध्या में तो अपन देख रहे हैं तो इतनी साफ सफाई है, इतनी क्लीन सिटी बन गई है ना। अपन अभी राम जन्मभूमि जाएंगे उधर भी इतना क्लीन है, सरयू घाट पे भी जाएंगे उधर भी इतना का इतना क्लीन है। क्योंकि मैं अलग अलग देश में जाता हूँ तो वहाँ पर लोग कचरा भी नहीं डालते हैं। कचरा डालने भी हम तो जैसे हम जैसे विचार कर लेते हैं कि यहाँ पर कचरा डालें, परंतु वहाँ के लोग डस्टबिन के अलावा कहाँ पर कचरा नहीं डालते, अपने बैग में रख लेते हैं। तो हमारे भारत में ये लोग या सोच की कमी है थोड़ी, तो वो लोग क्या है जहाँ पर मौका देख के थूक जाते हैं, जहाँ मौका देखते कचरा डाल देते हैं, फिर वो कचरा हमारे पर भारी पड़ता है। जब हम कचरा हम खुद डालते हैं और फिर हम खुद वहाँ पर बैठने के लिए हमारा मतलब मन करता है यहाँ पर ना बैठे, यहाँ पर कचरा है तो कचरे बिखोरने वाले हम भी हैं। सही है ना? सही बात है। ये था हमारा यहाँ एकदम ध्यान रखने की जरूरत है। तो मित्रों ये था हमारा यहाँ का रेल स्टेशन का वीडियो, कैसा लगा कमेंट शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।